ये बताइए जोशीमठ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखिए, जोशीमठ में जो अभी सब्सिडेंस की जो घटना हो रही है और जिसकी वजह से पूरे शहर पे खतरा मंडरा रहा है, ये शुरू हुआ 7 फरवरी 2021 से, जब ऋषि गंगा में त्रासदी हुई थी और उसमें 200 के करीब लोग मरे थे। दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, एक इंस्टॉल्ड था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इस इलाके में सर्वत्र, मतलब जहाँ पर कन्फ्लुएंस है अलग वो धौली गंगा और ऋषि गंगा का, उसके डाउन स्ट्रीम में सारी जगह दोनों तरफ स्लो मोबिलाइज हो गए थे और जोशीमठ में भी हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा था, इस बीच बढ़ता गया। फिर वहाँ के नागरिकों ने एक डिमांड करी कि हम लोगों से बोला उन्होंने, मैं हो गया, डॉक्टर नवीन जुयाल हो गए, PRL अहमदाबाद के साइंटिस्ट, वेल नोन साइंटिस्ट हैं, शुभ्रा शर्मा है हमारे साथ, वो साइंटिस्ट है PRL में, हमको लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप एक जियोलॉजिकल सर्वे करा दीजिए, बाकी तो कोई कर नहीं रहा। हमने एक जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी एक रिपोर्ट हमने उन लोगों को दी उनकी डिमांड पे, उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट करी, गवर्नमेंट ने फिर अपना पैनल भेजा एक्सपर्ट्स का, उनकी एक रिपोर्ट आई, उसमें भी कमोबेश वही फाइंडिंग थी जो हमारी थी। और फाइंडिंग क्या थी? फाइंडिंग यही थी कि वहाँ बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो लैंडस्लाइड जोन में बसा हुआ शहर है, बड़े पैमाने पर वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ डिस्टर्बेंस हुआ है, स्लोप से छेड़छाड़ की गई है, टो कटिंग हो रही है, नीचे से अलकनंदा टो कटिंग कर रही है ये, और ड्रेनेज वहाँ बिल्कुल ही, ड्रेनेज मैनेजमेंट बिल्कुल कहीं था ही नहीं, बहुत ही हैपेजार्ड। उसकी वजह से जो सीपेज, घरों का पानी और बारिश का पानी जो नीचे गया होगा, उसकी वजह से स्लिप सर्फेसेस डेवलप हो रहे हैं। ये उस दौरान भी लोग बोलते थे कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कोई रोल है, हम तो उस टाइम पे तो नहीं मानते थे। आज बात यह है कि वहाँ पानी निकलने लग गया बड़ा, अब ये देखना ज़रूरी है वो पानी कहाँ से आ रहा है। इतना पानी निकल रहा है मारवाड़ी में, क्या ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो टनल थी अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें जो पानी लॉक हो गया है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो उसमें रॉक के फ्रैक्चर्स में पानी गया होगा, उस पानी परकुलेट करा, उसके बाद वो बाहर जो कवर था उसका हाइड्रो, वो लैंडस्लाइड मटेरियल का, क्या उसमें परकुलेट करके सीपेज हुआ और इसलिए सब्सिडेंस हो रहा है? ट्रिगरिंग क्या वो है? लेकिन पटकथा तो इसकी बहुत पहले से लिखी गई थी और इसको होना ही था। और इस तरह से ऐसी कहानी दर्जनों ऐसे सब कस्बे हैं पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल में भी, जहां ये रिपीट हो सकते हैं। मतलब जोशीमठ, अनदर जोशीमठ इन मेकिंग अगर कहोगे आप, तो कई ऐसे कस्बे हैं पहाड़, कई टाउनशिप हैं, जैसे कि भटवाड़ी है, जैसे कि उत्तरकाशी है, जैसे गुप्तकाशी है, जैसे ऊखीमठ है, जैसे गौरीकुंड है, जैसे घनसाली है, जैसे कर्णप्रयाग है, जैसे पौड़ी है, जैसे रुद्रप्रयाग है, जैसे उसके अलावा कुमाऊं की तरफ जा तो मुनस्यारी है, उसके बाद धारचूला है, नैनीताल है और शिमला है, धर्मशाला है, कई जगह है। सर, जोशीमठ में देखने को मिला, कई लोगों से मेरी बात हुई, कई साइंटिस्ट से बात हुई, तो उनका कहना ये कि उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, इट्स अ मैटर रिसर्च एंड यू ऑल्सो सेड दैट कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यू थिंक कि जो कि सिमिलर लाइंस पे हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनका अब स्टडी करना ज़रूरी है और वहाँ जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्शन है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हो रही हैं, उन पर एक सर्वे के बाद जो है असेसमेंट होके चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जोशीमठ के प्रति जैसा इंडिफरेंट, क्योंकि भाई 2 साल से लोग, 2 से ज़्यादा हो गए, बल्कि 2003 से लोग कह रहे थे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनका जोशीमठ पे असर पड़ेगा, लोग विरोध कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, लगातार हो रहे थे, टूट फूट हो रही थी, सामने चाय गाँव में दरारें पड़ी थी, कई जगह से बातचीत हुई थी और इन हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट के विरोध में थी। इस दृश्य से अध्ययन हुए नहीं, अभी भी जब 2021 के बाद ये होने लगा तो लगातार वहाँ लोग आंदोलनरत थे, कुछ हुआ नहीं, सिस्टम इंडिफरेंट था। एक की बात नहीं है, सभी सरकारें ऐसा करती हैं, तो ये तो सरकारों का डेवलपमेंटल मॉडल एक जैसा होता, करीब करीब किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, पर है इनडिफरेंस हर जगह। अब इसको सबक लेके, क्योंकि जोशीमठ ज़्यादातर तो बचने से रहा, जोशीमठ तो रास्ते लग गया है, वो तो उसने तो वो वैसी यात्रा टाइप की शुरू कर दी है जाने की, लेकिन जोशीमठ का सबक लेके, जोशीमठ का पूरा अध्ययन करना जरूरी है कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रिगरिंग कौन फैक्टर कर रहे हैं, एलिमेंट्स तो पहले ही से थे इसमें सब्सिडेंस के, ट्रिगरिंग किसने किया,
तभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे धौली गंगा का पानी जो टनल में है उसके सैंपल लेके, और जो पानी ये सीपी ड्रेन होने लगा है, एक बड़े बड़े नाला फूट गया है, उस पानी के सैंपल लेके कुछ ट्रेसर्स होते हैं, आइसोटोप स्टडीज होती हैं, उनके जैसे आप मैप कर सकते हैं, इसका प्रोविनेंस मैप कर सकते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। हो सकता है ओली ओली की तरफ से जो ग्राउंड वाटर है, बारिश का वाटर है, वही हो ना, वो है, लेकिन एक्चुअली साबित तो करना पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं से। ये बड़ी बहुत वो रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ तक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात है इन जनरल, ये अब करीब करीब पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स इसमें आ रहे हैं, और ये केवल हमारी बात नहीं है, ये कई रिसर्च पेपर्स आगे हैं जिन्होंने ये बताया है कि हर हिमालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि भाई आपको पावर चाहिए। जब तक अल्टरनेट नहीं आया, आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट ने अब ग्रीन हाइड्रोजन वाली बात कर रही है, लेकिन तब तक तो आपको हाइड्रो पावर चाहिए ही चाहिए हर हिमालय में, क्योंकि वहाँ वल्नरेबल ना तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरक्षित रहेंगे, ना उसकी वजह से टेरेन सुरक्षित रहेगा, ना डाउन स्ट्रीम में लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ब्लैंकेट बैन करने चाहिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ऊपर, जैसे इस वैली में हिलंग के ऊपर। कौन सी गवर्नमेंट की किसकी रिपोर्ट कब तक कब फॉलो हुई? 1976 की महेश चंद्र मिश्रा रिपोर्ट थी, वो कौन सी फॉलो हुई? हमारे सारा मॉडल, सारी सरकार, एक सरकार का तो मामला है नहीं, सारी सरकारें अपने ही बनाई गई समितियों की रिपोर्ट फॉलो न करने के लिए बदनाम है, और यही हमारी उदास कहानियाँ हैं। अभी हम जोशी अभट का क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या हो सकता है उसका? आपने बोला वो तो निकल गया रास्ते, लेकिन उसके बहाने हम और जगहों को बचा सकते हैं। हाँ, उसके बहाने एक बहुत बड़ा मेजर टास्क हाथ में लेके हिमालय की इस तरह की बस्तियों को, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से दर्जनों गांव हैं, दर्जनों टाउनशिप हैं, मैंने बता दिए, उनको बचाने के लिए जोशीमठ की स्टडी बहुत ज़रूरी है। जोशीमठ एक लेसन है कि समय रहते चेते तो जोशीमठ बच सकता था, कुछ तो बचता। दूसरी बात यह है कि जोशीमठ अब अध्ययन जरूरी इसलिए है कि जोशीमठ के अध्ययन से निकले हुए निष्कर्षों को अगर इम्प्लीमेंट हम और जगह किया जाए, और जो इसी तरह की टाउनशिप है और जो ऐसे ही टाइम बॉम्ब पे क्या पता वो बच जाए, तो इसलिए जोशीमठ जरूरी। पर अभी क्या है, अभी जोशीमठ में क्या किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाया जा सकता है, उसके अलावा अभी तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता। किसी साइंटिस्ट के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि खट गया रुक गया, तो अभी ये करना है। आई एम हैप्पी कि आज मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और उसमें होपफुली हिमालय की संवेदनशीलता के मद्देनज़र इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या इस तरह के जो टाउनशिप्स हैं उनमें उनका एक बृहद मैपिंग हो, और वहाँ सेंसिटिव एरियाज चिन्हित हों, उनको डिमार्केट किया जाए, वहाँ क्या किया जा सकता है उसके लिए बड़े एक्सपर्ट्स के साथ कुछ उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए, हो सकता है कुछ बच जाए।